नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही मस्ती में होंगे। तो यार अभी जो दोस्तों मैं वीडियो प्ले करूंगा, इस वीडियो को दोस्तों मैंने खुद तैयार किया है। अगर दोस्तों आपको कुछ इस तरह का वीडियो बनाने में इंटरेस्ट हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों जरूर बताइएगा। तो यार वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए और गाइस आपको इसी वीडियो के नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही मेरे वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप वहां पे ऑल सिलेक्ट कर ले, ताकि मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। अब गाइस आते हैं टॉपिक पर। तो यार मैं आपको बता दूं कि इस तरह का दोस्तों वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन को गाइस कुछ इस तरह से अपने कैमरे को उसका जो दोस्तों ब्राइटनेस है उसको आपको घटा लेनी होगी। घटा लेने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर रहा हूं। आप भी गाइस सेम टू सेम इसी तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर उसको बस आपको ओपन करना है। तो यार चलिए अपने काइन मास्टर को ओपन कीजिए, मैं जाकर वहां पर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे स्मार्टफोन के काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन करके रखा है। अब आपको जो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको 9x16 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन का आपको ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपको राइट साइड में यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस जैसा मैंने बिहाइंड द सीन मेरा वीडियो को शूट करके आपको दिखाया है, आप दोस्तों जो अपना वीडियो शूट किए हो उस वाले वीडियो गाइस आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। मेरा दोस्तों जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह फर्स्ट तरफ आना होगा। आने के बाद दोस्तों आप अपने वीडियो के ऑडियो को आप कुछ इस तरह से म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट कर लेने के बाद दोस्तों अब अगर अपना वीडियो को प्ले कीजिएगा आप कुछ इस तरह से कर लेने के बाद दोस्तों, जहाँ फ्रेंड्स आप अपना हाथ को कुछ इस तरह स्लाइड कर रहे हो कुछ इस तरह से गाइस आपको इस जगह पर आपको आना होगा। इस जगह पर आने के बाद गाइस आप दौड़ के भाग के आप इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहाँ पर गाइस मैंने स्काई का दोस्तों जो वीडियो है उसको देख के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको उस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसी वाले लेयर में आपको क्लिक करना है और गाइस जो को फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया पे सिलेक्शन करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस आपको स्काई वाला जो वीडियो है उसको आपको सिलेक्शन करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा स्काई वाला वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस वाले एरो में पकड़ के आप अपने वीडियो के हिसाब से इसको कुछ इस तरह से बड़ा कीजिएगा। बड़ा कर लेने के बाद दोस्तों आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन के गाइस आपको लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले ब्लेंडिंग में क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको तीन ऑप्शन में दिखाऊंगा, आपका दोस्तों जिसमें आपका सुटेबल होगा आप उसमें आप सिलेक्शन कीजिएगा। पहला गाइस आपका ओवरले का, अगर गाइस आपका ओवरले में यहाँ पर सुटेबल नहीं होता है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे मल्टीप्लाई पे आप क्लिक कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको मल्टीप्लाई पे भी आपको सुटेबल नहीं होता है तो फ्रेंड्स आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। तो गाइस इस तरह से आपके पास तीन ऑप्शन है, जहाँ फ्रेंड्स आपका जो वीडियो है सुटेबल लगेगा आप वहाँ पे आप रख लीजिएगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इसी वाले ऑप्शन पे मेरा यहाँ पे सुटेबल लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ अभी गाइस मैंने अपना वीडियो को प्ले करता हूँ और सर्च करता हूँ कुछ स्लाइड। तो गाइस देख सकते हैं इस जगह पर मैं हाथ को स्लाइड कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको जो राइट साइड में यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इसी वाले लेयर में आपको क्लिक करना है और गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ पर गाइस आप स्काई में दोस्तों जो फोटो आप लगाना चाहते हो उस वाले फोटो गाइस आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। मेरा दोस्तों जो फोटो है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसी वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से इसको बड़ा करना होगा और यहाँ पर गाइस अपने स्काई में कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों सेम आपको जो राइट साइड में लास्ट में यहाँ पे जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन है इसी वाले ब्लेंडिंग में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस अपने वीडियो के हिसाब से कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जिसमें दोस्तों आपको सुटेबल होगा उसमें आप कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरा गाइस यहाँ पे ओवरले पे अच्छा दिख रहा है, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब गाइस मैं अपना वीडियो को अगर शुरू से प्ले करके देखता हूँ तो मेरा वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा देख सकते हैं। तो गाइस बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आप कुछ इस तरह का वीडियो बना दोस्तों कुछ आपको गाइस यहाँ पर जो ऊपर में दोस्तों शेयर का ऑप्शन है देख सकते हैं, इस वाले गाइस आपको यहाँ पर शेयर पर आपको क्लिक करना होगा और आपका फाइल को दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। अब दोस्तों बिना किसी तरीके चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।